नाउ जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अब आप एज अ ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये RS एक सीरीज रेजिस्टेंस है जो कि किसके साथ लगा हुआ है, जीनर डायोड के साथ। और वहाँ पर क्या सप्लाई हो रही है, कहाँ से आ रही है सप्लाई, आपने रेक्टिफायर से एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज यानी DC सप्लाई आ रही है, और उस जीनर डायोड के अक्रॉस पैरेलल में लोड लगा हुआ है RL, जहाँ पर हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा VZ। कैसे देखते हैं, द अनरेगुलेटेड वोल्टेज DC जो कहाँ से आ रहा है, फिल्टर्ड आउटपुट ऑफ रेक्टिफाइड। हमने फिल्टर्ड सर्किट पढ़ा हुआ है, तो फिल्टर सर्किट हमने पढ़ लिया, DC तो दे रहा है बट वो अनरेगुलेटेड है ना, अनरेगुलेटेड है। तो हमने किससे कनेक्ट किया, इज कनेक्टेड टू द जीनर डायोड थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस, यानी RS से कनेक्ट किया हमने, सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, आपने आपने डायरेक्शन दे रखा हो करंट का, सच दैट जीनर डायोड इज इन रिवर्स बाइस। और वो इस तरीके से कनेक्ट है कि वहां पर जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बाइस में है। किस में है, रिवर्स बाइस में। नाउ इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ पर, RS में, द करेंट थ्रू RS एंड जीनर डायोड ऑल्सो इंक्रीज। तो हमें देखने को मिल रहा है कि RS में और जीनर डायोड में भी करंट इंक्रीज हो रहा है। अब वो किसकी वजह से हो रहा है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उनको एनर्जी मिली और वो कहाँ से आए, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द करंट। ओके, नाउ इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप, अब करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS यानी सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, यानी V इज टू IR, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो I करंट बढ़ा तो V वोल्टेज अक्रॉस भी वहाँ पर बढ़ा, विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। हमें मालूम है कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और हमें क्या देखने को मिला था, एट अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज वहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा था। सो दैट इज द मेन फंडा ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ दिस इज बिकॉज इन द ब्रेकडाउन रीजन, और ये किसकी वजह से हुआ, ब्रेकडाउन रीजन की वजह से हुआ। एक बार वो ब्रेकडाउन रीजन में आ गया जीनर, तो वहाँ पर आप हल्का सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी, है ना। तो नाउ जीनर वोल्टेज रिमेन कॉन्स्टेंट इवन थ्रू द करंट थ्रू द जीनर डायोड चेंजेस। मैं वही बताने वाला था कि जीनर डायोड रिमेन कॉन्स्टेंट इवन द थ्रू करंट थ्रू द जीनर डायोड चेंजेस। तो जीनर डायोड में करंट चेंजेस होइंग होता है, और वहाँ पर जो वोल्टेज है, जो जीरो डाउन वोल्टेज जैसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उसका जो फंडा है, दिस इज द मेन फंडा टू रेगुलेटिंग द वोल्टेज। नाउ सिमिलरली इनपुट वोल्टेज डिक्रीज, अगर हमने इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज किया तो करंट थ्रू RS ऑल्सो डिक्रीजेज विदाउट एनी चेंज, ओके, इन द वोल्टेज अक्रॉस जीरो डायोड। वही जब हमने वोल्टेज इंक्रीज किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ था, किसके जरिए, RS में। ऐसे ही जब हम वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस RS डिक्रीज होगा। नाउ इन द वोल्टेज अक्रॉस जीरो डायोड दस एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनपुट वोल्टेज रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। तो जहाँ पर जितना हम इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को उतना हमें करंट इंक्रीज करेगा, और जितना डिक्रीज करेंगे वोल्टेज को करंट भी उतना डिक्रीज होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस RS विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। तो जो वोल्टेज RS को मिलेगा वो वोल्टेज जीनर डायोड को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जीनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस।